नमस्कार दोस्तों, क्यूरियस वेल्थ एंड क्यूरियस बॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं जिसका एजीएम कल के दिन में यानी कि एनुअल जनरल मीट जो है उसकी 24 जून को होगी। और इस स्टॉक के बारे में लोग बोल रहे हैं कि बहुत ही अच्छी पॉजिटिव न्यूज चल रही है, तो क्या इस एजीएम के बाद ये स्टॉक 3000 तक जाएगा? टेक्निकल चार्ट पे अगर मैं बताऊं तो आप देख सकते हैं जैसा मैंने यहाँ पे फ्लैग का एक फॉर्मेशन बनते हुए दिखाया है, तो वो पैटर्न भी हमको यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहा है। इस स्टॉक में बहुत ही अच्छा फ्लैग का पैटर्न भी बन रहा है। कुछ लोग इस स्टॉक के प्राइस को देख के, साथ ही साथ एजीएम 24 तारीख को है, इस चीज को देख के अब तक पहचान गए होंगे कि जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और इसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी न्यूज करंटली मार्केट में चल रही है कि 5G फोन आएगा, लैपटॉप आएगा, और हमेशा ही रिलायंस जियो की तरफ से जो भी चीजें आई हैं वो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल आई हैं। तो उस वजह से स्टॉक जो है क्या हमको 3000 के लेवल्स दिखा सकता है, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी तरीके का भी इंडिकेशन हमको इस तरीके का मिल रहा है कि स्टॉक इतना बाउंस हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे क्यूरियस वेल्थ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरीके की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मैं आपको सही समय पे मिलती रहे जो मैं अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड करता हूं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे मैं स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं वो भी आपको सही समय पे मिलती रहे। चलिए, अब अगर रिलायंस एजीएम की बात की जाए तो आप देख सकते हैं मार्केट में इनसे जुड़ी हुई काफी, इस कंपनी से जुड़ी हुई बहुत सारी न्यूज करंटली मार्केट में फ्लोट हो रही हैं। जैसा यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 5G फोन कर सकते हैं, जियो के लैपटॉप दिखा सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा डिविडेंड भी ये कंपनी अनाउंस कर सकती है। तो इस तरीके की बहुत सारी न्यूज तो ऑलरेडी मार्केट में चल रही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो कुछ अच्छा बड़ा ऐलान अपने इस एजीएम में करने वाली है, यानी कि जो 24 तारीख को होने वाला है उसमें एक अच्छा खासा बड़ा ऐलान करेगी। बट अगर मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है लगभग जून के स्टार्टिंग से ही एक लिमिटेड रेंज में घूम रहा है। जनरली इस स्टॉक में लोग उम्मीद करते हैं अच्छे खासे ब्रेकआउट दे, अच्छा खासा माल बने। बस इस स्टॉक को देखेंगे तो आप 2150 से लेकर लगभग 2250, लगभग 100 रुपए की रेंज में स्टॉक काफी दिनों से घूम रहा है। अब मैं इसको आपको डेली चार्ट पे दिखाता हूँ। डेली चार्ट में आप देखेंगे कि स्टॉक जो है लगभग सितंबर के मंथ से स्टॉक जो है लोअर हाईज लगा रहा था, बट इसका जो लोअर था या बोलो जहां पे आके स्टॉक ने हर बार बाउंस लिया है जो कि लगभग 1850 के आसपास का वैल्यू, वहीं से स्टॉक हर बार बाउंस दे रहा है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। माइनर सपोर्ट मैं बोल सकता हूँ 1900, क्योंकि स्टॉक ने इस जोन पे आके कई बार सपोर्ट लिया है लेकिन 1850 के सपोर्ट को इसने एक बार भी ब्रेक नहीं किया है। ट्रेंड लाइन जो इसकी डाउन ट्रेंड की चल रही थी उसको स्टॉक ने, या फिर मैं बोलूं कि जो पहली जून थी उस समय स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था और करंटली कंसोलिडेट हो रहा है लगभग एक महीने से। इसका जो प्रीवियस हाई था स्टॉक ने लगभग उसी लोज के आसपास बनाया है। डेली चार्ट में हमको एक बहुत ही बेहतरीन फ्लैग का पैटर्न बनता हुआ भी नजर आ रहा है। तो अगर ये दोनों ही चीज ब्रेकआउट हो चुकी है, एक चीज तो ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुकी है, रीट टेस्ट भी हो चुकी है जो कि इसका डाउन ट्रेंड था, सेकेंड चीज अब हमको यहाँ पे फ्लैग का फॉर्मेशन बहुत ही अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक बहुत ही ज्यादा उम्मीद है कि कल के सेशन में ही लगभग 2360 रुपए तक के या 2350 रुपए तक के लेवल्स हमको दिखा सकते हैं, यानी कि यहाँ से लगभग 150 रुपए तक का मूव हमको कल के सेशन में ही आता हुआ नजर आ सकता है। इसी का पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है हमको निफ्टी के अंदर भी देखने को मिलेगा। निफ्टी का एनालिसिस मैं करके वीडियो नहीं बना पाऊंगा लेकिन अपने टेलीग्राम चैनल पे जरूर उसको शेयर करूंगा। FIIs की तरफ से आज के दिन में काफी अच्छी बाइंग होती हुई नजर आई है, यही चीज हमको कल एक अच्छा बूस्ट देगी। लेवल्स क्या रहेंगे निफ्टी के वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में मॉर्निंग के टाइम पे शेयर कर दूंगा 9:15 से पहले ही, तो आप वहां पे चेक कर सकते हैं। जहां तक रिलायंस के स्टॉक की बात की जाए कि हमको आने वाले दिनों में क्या लेवल्स मिल सकते हैं या फिर कहां तक ये स्टॉक जा सकता है, तो उसके लिए मैंने एक टेंटेटिवली डायरेक्शन इस स्टॉक के लिए बताया है, इसका मूवमेंट किस तरीके से हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि कल न्यूज फ्लो की वजह से स्टॉक में अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। अगर मैं पैटर्न के हिसाब से बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे एक अच्छा बाइंग दिखा था, अच्छी खासी बाइंग कैंडल्स यहाँ पे दिखी है, उसके बाद उतनी सेलिंग नहीं हुई है। स्टॉक जो है कंसिस्टेंटली
कंसोलिडेट हुआ है। तो अब जैसे ही इन लेवल्स को स्टॉक क्लोज करके ऊपर की तरफ मूव करेगा तो हमारा जो पहला रेजिस्टेंस का काम करेगा वो लगभग 2350 से लेके 2360 है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। उस लेवल पे आने के बाद स्टॉक हो सकता है वापस से रीटेस्ट करे अपने ब्रेकआउट लेवल को। तो जो लोग कल मॉर्निंग में ही इस स्टॉक पे बाय नहीं कर सकते हैं, अगर स्टॉक बहुत ही ज्यादा भागता है 2350 के आसपास आ जाता है तो आप वेट कर सकते हैं, स्टॉक को वापस से 2300 या फिर 2280 के आसपास आए तभी दोबारा एंट्री करें। फर्दर लेवल्स जो इसके अंदर नजर आते हैं वो लगभग 2500 का नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है 2350 के ऊपर, और उसके बाद जो सेकंड टारगेट है या फिर मैं बोलूं जो थर्ड टारगेट है वो लगभग 2700 का निकल के आता है। ये दोनों ही टारगेट मेरे फ्लैग पैटर्न और जो मैंने आपको ट्रायंगल का पैटर्न बनते हुए दिखाया उन दोनों पैटर्न के हिसाब से नजर आ रहे हैं। ये दोनों ही टारगेट पॉसिबिलिटी है कि अगस्त मिड या सितंबर तक भी पूरे हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन मार्केट की सिचुएशन कैसी है। कोई और बुरी न्यूज अगर मार्केट में नहीं आती है तो स्टॉक के अंदर बहुत ही अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ हमको नजर आ सकता है। स्टॉक के अगर मैं 3000 लेवल्स की बात करूं तो वो स्टॉक 3000 तक के लेवल अगले कुछ महीनों में दिखा सकता है, यानी कि अक्टूबर या नवंबर तक में वो 3000 के लेवल्स हमको देखने के लिए मिल सकते हैं, यानी कि यहाँ से अच्छा खासा हमको लगभग 30-35% का रिटर्न अगले 5-6 महीने में आसानी से ये स्टॉक दे सकता है। दोस्तों उम्मीद करूंगा जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर की है वो आपके लिए यूजफुल होगी। एज अ डिस्क्लोजर आपको बताना चाहूंगा जो भी लेवल्स मैंने इस वीडियो में बताए हैं, जो भी पैटर्न्स मैंने आपको बताए हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बताए हैं। मैं किसी को भी बायस हल्का रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं दे रहा हूं। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको सही लगती है तो एक बार आप अपने किसी भी ट्रस्टेड स्टॉक ब्रोकर से या फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कशन करने के बाद ही किसी भी स्टॉक में अपना पैसा निवेश करें।